आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वास्थ्य विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक, आयुष्मान भारत कार्ड बनाने तथा वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के दिए निर्देश। एडीएम फाइनेंस के नेतृत्व में निकाला गया मतदाता जागरूकता रैली, लोगों को वोटर बनने के लिए किया गया जागरूक। एडीएम फाइनेंस ने कहा, 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरा कर चुके युवा अवश्य बनवा लें अपना वोटर आईडी कार्ड। एसपी सिटी की अध्यक्षता में कोतवाली थाने पर आयोजित हुआ संपूर्ण थाना समाधान दिवस, कहा थाना समाधान दिवस में आए मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को किया गया है निर्देशित। जनपद में कोविड से असमय काल की गाल में समा चुके लोगों के परिजनों के लिए शासन ने 4,24,00,000 रुपए किए अवमुक्त। एडीएम फाइनेंस ने कहा, तहसील पर बने कोविड हेल्प डेस्क पर फॉर्म जमा करके ले सकते हैं सहायता राशि। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीडा संघ के तत्वावधान में अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता का महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे विनय कुमार त्रिपाठी ने किया शुभारंभ। उद्घाटन मैच में प्रबंधन कार्मिक एवं रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने इंजीनियरिंग एवं निर्माण संगठन के संयुक्त टीम को आसानी से किया पराजित। महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे ने कहा, विभागीय क्रिकेट मैच से स्थापित होगा आपसी सामंजस्य। सोनवर्षा बालापार स्थित गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में शनिवार को आयोजित हुआ आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन विषय पर संगोष्ठी, वक्ताओं ने व्यक्त किए अपने अपने विचार। विकासशील इंसान पार्टी के तत्वावधान में आयोजित हुआ आरक्षण जन चेतना रैली, पार्टी के संस्थापक व बिहार सरकार के मंत्री मुकेश साहनी ने की शिरकत, कहा नहीं होगा किसी भी दल से गठबंधन, अकेले लड़ेंगे यूपी में चुनाव, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 172 केंद्रों पर कुल 19,552 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 4,193 और सेकंड डोज लेने वालों में 14,359 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। और राज्य कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले शिक्षक कर्मचारी मोर्चा ने निकाला मशाल जुलूस, 12 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग, कहा मांगे पूरी नहीं होने पर 9 दिसंबर को होगा कार्य बहिष्कार।